भारत से पंगा लेना मालदीव को हाल ही में भारी पड़ गया। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हुए थे, जिसके बाद से मोदी जी ने कुछ फोटुकों को शेयर करा, जिसके बाद लक्षद्वीप गूगल पर हाई सर्च कीवर्ड्स बन गया था। वहीं प्रधानमंत्री ने बोला कि लोगों को मालदीव का आनंद लक्षद्वीप में आकर लेना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री की ये स्पीच निकल कर आई, वहीं पर शुरू होता है मालदीव वर्सेज लक्षद्वीप की लड़ाई। लेकिन मोदी जी के इस स्पीच के पीछे की वजह था लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देना, क्योंकि सरकार ने यहां पर काफी अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रखा है। इस स्पीच के बाद बताया जाता है कि बॉलीवुड भी इसी तरह के ट्वीट करते हुए देखने को मिला, लेकिन एक लड़ाई भी देखने को मिल रही है जो कि अभी तक खत्म भी नहीं हुई है, जो कि है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की लड़ाई, जिसमें अभी तक का नुकसान केवल मालदीव को ही हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमी थी वो बहुत तेजी से नीचे आ गई है। हुआ क्या है, चलिए पूरे विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ के दो, इसके बाद जो मालदीव के लोग थे वो भारतीयों का मजाक उड़ाने लगे, पीएम नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने लगे। जो भी था, लेकिन ये अपमानजनक जो टिप्पणी करी गई, इसके बाद मामला बहुत गर्म हो गया था। जब ये अपमानजनक टिप्पणी करी गई, जो कि भारत पर भी थी और पावरफुल व्यक्ति, पूरे विश्व में सबसे पावरफुल व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी थी, मालदीव के 3 मंत्रियों का नाम निकलकर सामने आया जिन्होंने अपशब्द का यूज करा था, जिसमें सबसे पहले महिला मंत्री थी मरियम, उसके बाद थी मालसा सारिफ अब्दुल्ला महजूम माजिद, जिन्हें इसके बाद बताया जाता है सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं मोहम्मद मुइजू, उनकी सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच में, यानी कि भारत पर कहे और मालदीव पर कहे, दोनों देशों के बीच में खटास काफी बढ़ गई है। इनके जो ये राष्ट्रपति है, ये खटास बढ़ने का कारण भी ये है क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है ये चीन का समर्थन करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे एशिया के अंदर कोई चाइना को टक्कर दे रहा है और उससे भी आगे निकल रहा है तो वो अपना देश भारत है, तो इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इस पूरी वॉर में इन्वॉल्व है। अपने देश से भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए तैयार हुआ है ये देश, इन्होंने यानी कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के खिलाफ एक अभियान भी चला रखा है, एक नारा दिया है जिसका नाम है इंडिया आउट का नारा। वही यहाँ की सरकार इसीलिए ये नारा दे रही है, और ये उनका ये कहना है कि उन्हें ये लगता है कि भारतीय सैनिकों को मौजूदगी इनके देश की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शायद ये भारत ने जो इस पर इसका साथ दिया है वो शायद ये भूल चुके हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या था, चलिए इसको विस्तार रूप से थोड़ा बात करते हैं। देखिए, मालदीव के नेता लिखते हैं कि वहां सफाई नहीं है, कमरों में बदबू आती है। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि मोदी जी ने किसकी तारीफ करी, मोदी जी ने लक्षद्वीप की तारीफ करी, लोगों से कहा कि आप मालदीव ना जाकर लक्षद्वीप मर आए और यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दे, है ना। अब ये कहते हैं कि भारत जो है ना, एक सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, पीएम मोदी का लक्षद्वीप वाली वीडियो शेयर करते हुए ये लिखते हैं कि बढ़िया कदम है ये, मालदीव की नई सरकार के लिए एक बड़ा झटका है जो चीन की कठपुतली पर चलता है। ये एक यूजर ने लिखा है। इसका जवाब देकर पीपीएम के नेता है जाहिद रमीज, इन्होंने लिखा बेशक ये अच्छा कदम है, ये इन्होंने बोला कि बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप, ये बोल कौन रहा है जिसकी आबादी ही 35-40 लाख से ज्यादा नहीं है। ये कहते हैं ये अच्छा कदम है, हम मानते हैं हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा। जैसे इन्होंने इस तरीके के कमेंट करे, और भी कई कमेंट थे जो इन्होंने करे, उसके बाद से, इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय और मालदीव के नागरिकों के बीच में एक जंग सी छिड़ गई, और भारत के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा #boycottmaldives। क्या ट्रेंड होने लगा, #boycottmaldives, इस तरीके से ट्रेंड करने लगा। अब इन्होंने तो बोल दिया कि भैया भारत वो सुविधा नहीं दे सकता है, लेकिन ये भूल गए थे ये उस देश से पंगा ले रहे हैं जो थर्ड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है। अब इसका असर क्या हुआ, असर ये हुआ कि भारतीय लोगों ने अपनी एकता को दिखाया, अपने प्रधानमंत्री का जो अपशब्द थे उसको बर्दाश्त नहीं करा, और मालदीव की करीबन 7500 होटल बुकिंगें कैंसिल हो गई, एक साथ 2300 फ्लाइट टिकटें कैंसिल हो गई, यानी कि कुछ ही मिनट के अंदर मालदीव का इकोनॉमी नीचे आ गया जैसे पाकिस्तान का।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी सितारे भी मालदीव का विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं, जिसमें अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर और अक्षय कुमार ने तो ये लिखा कि हैरानी की बात यही है कि मालदीव के लोग उस देश की बुराई कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव पहुंचता है। अब देखते हैं कैसे पहुंचता है, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा भारी नुकसान हुआ मालदीव को। तो ये पूरा मामला था जो कि अभी काफी ट्रेंड में था। आई होप आप इस छोटी सी वीडियो में इसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो शायद मालदीव के ये नेता भूल चुके हैं और मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं ये भी भूल गए हैं कि जब 5 दिसंबर 2014 को वाटर क्राइसिस आया था मालदीव्स के अंदर, तो भारत ही वो देश बनकर उभरा था जिसने फ्रेश वाटर पहुंचाया था मालदीव को। लेकिन शायद ये भूल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने मोदी जी से पंगा लिया, पावरफुल व्यक्ति से पंगा लिया जिससे अमेरिका, चाइना जैसा भी देश डरता है, इन्होंने उससे पंगा लिया और इन्हें भुगतान भी भुगतना पड़ा। आई होप आप इस छोटी सी वीडियो में इसको अच्छे से समझे होंगे कि आखिर में ये ट्रेंड क्यों कर रहा था, बॉयकॉट मालदीव करके हैशटैग, ये था पूरा मामला। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।